नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 मई शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अजमेर में यात्रियों से भरी स्लीपर बस पलटी, 36 घायल। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट। राजस्थान में जलदाय विभाग के 8 इंजीनियर निलंबित। राजस्थान विधानसभा में सवालों के जवाब नहीं आने से नाराज है अध्यक्ष देवनानी। जोधपुर में देर रात पुलिस लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। अजमेर में किशनगढ़ में अनियंत्रित होकर एक स्लीपर बस अचानक पलट गई। हादसे में बस में सवार करीब 36 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 9 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार यह बस श्रीनाथ ट्रेवल्स की है, जो अहमदाबाद से कानपुर की ओर जा रही थी। सुबह सुबह यह सड़क हादसे का शिकार हो गई। भीषण गर्मी के बीच बिजली मैनेजमेंट गड़बड़ा रहा है। एक दिन में विद्युत खपत 3,235 लाख यूनिट तक पहुंच गई है और अगले एक माह में 3,400 लाख यूनिट को क्रॉस करने का आकलन किया गया है। दिन में तो फिलहाल डिमांड के अनुसार सप्लाई की जा रही है, लेकिन रात के 4 घंटों ने ऊर्जा महकमे के अफसरों की नींद उड़ा दी है। शाम 7 से रात 11 बजे तक बिजली डिमांड ज्यादा है और उस समय उतनी बिजली नहीं मिल पाने के कारण कई ग्रामीण इलाकों में आधे से 1 घंटे तक बिजली कटौती की नौबत बता रही है। एक्सचेंज से भी पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। इस बीच 1130 मेगावाट की 4 यूनिट से बिजली उत्पादन ठप होने से दिक्कत ज्यादा बढ़ गई है। राजधानी जयपुर में ही लगातार ट्रिपिंग हो रही है। राजस्थान जल जीवन मिशन में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिछे भ्रष्टाचार के पाइपों की जांच के लिए सीबीआई की एंट्री होते ही जलदाय विभाग में खलबली मच गई है। आला अफसरों ने मिशन की पेयजल परियोजनाओं में गंभीर अनियमितताएं करने वाले इंजीनियरों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू कर दी है। अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट के आधार पर 8 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें बालोतरा डिवीजन के अधिशासी अभियंता जेपी गुप्ता, जगदीश सिंह, राजपुरोहित, मुकेश मानतवाल, सहायक अभियंता सुनील माथुर, दीपक कुमार सिंह, कनिष्ठ अभियंता राम सिंह मीणा, सार्थ सिंदोलिया और खंड लेखाकार गोपीचंद सैनी है। राजस्थान में भाजपा सरकार का 5 माह का कार्यकाल पूरा हो चुका है। विधानसभा का एक सत्र भी आयोजित हो चुका है। पिछली सरकार की तरह सरकार में विधायकों के प्रश्नों के जवाब समय पर नहीं आने को लेकर भी चर्चा हुई और ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आश्वासन भी दिया गया कि समय पर विधायकों के सवालों के जवाब आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनवरी में बुलाए गए भाजपा सरकार के पहले सत्र में विधायकों ने जो प्रश्न लगाए थे उनमें से 55% प्रश्नों के जवाब ही नहीं आए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ब्यूरोक्रेसी के इस रवैये से नाराज हैं और वे अगले माह मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को तलब करने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कार्यभार संभालने के बाद मुख्य सचिव सुधांश पंत के साथ हुई बैठक में चर्चा की थी कि लोकसभा की तरह विधानसभा में भी प्रश्नों के जवाब समय पर आएं। कम से कम ऐसी व्यवस्था तो हो कि एक सत्र में लगे प्रश्नों के जवाब अगले सत्र के शुरू होने से पहले आ जाएं। जोधपुर में कुछ लोगों के समूह ने एक छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा बवाल कर दिया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। यहां तक कि भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। जानकारी के अनुसार ये पूरा घटनाक्रम जोधपुर के बालेसर थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात पुलिस ने एक काले शीशे की कैंपर वाहन का चालान करने की कार्रवाई की। इसके बाद कार्रवाई का विरोध जताने के लिए कार चालक और उसके सहयोगियों ने जमकर हंगामा किया। देश के 7 राज्यों में चल रहे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक साथ कार्रवाई की है। कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें जयपुर से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पिता ज्वेलर हैं। बिजनेस में घाटा होने पर युवक क्राइम करने लगा। स्पेशल सेल ने इन बदमाशों के पास से 7 पिस्टल, 31 कारतूस और 11 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। दरअसल स्पेशल सेल बुधवार सुबह से शाम तक दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में डेड की थी। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार सभी आरोपी एक दूसरे से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए थे। ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से बात करते थे। अधिकांश आरोपियों की गोल्डी बराड़ से सीधे बात होती थी। बीएसपी संगठन से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद ने चुप्पी तोड़ी है। आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट किया। आकाश ने लिखा कि मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं, आपके संघर्षों से समाज को राजनीतिक ताकत मिली है, जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं, आपका आदेश सिर माथे पे, भीम मिशन और अपने समाज के लिए लड़ता रहूंगा।
एक बुजुर्ग को रेलवे की लापरवाही भारी पड़ गई। सहूलियत से सफर के लिए एक महीने पहले उन्होंने टिकट आरक्षित कराई थी, बावजूद इसके उन्हें करीब 1200 किलोमीटर की यात्रा खड़े होकर करनी पड़ी। उपभोक्ता अदालत ने बुजुर्ग को हुई कठिनाई के लिए रेलवे को दोषी मानते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया है। नई दिल्ली में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष मोनिका श्रीवास्तव, सदस्य डॉक्टर राजेंद्र धर व सदस्य रश्मि बंसल की पीठ ने इस मामले में रेलवे पर जुर्माना लगाया है। इसके तहत ब्याज सहित शिकायतकर्ता को 1,96,000 रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया। जलदाय विभाग में टेक्निकल पदों पर नई भर्ती के लिए विभागीय कर्मचारी आंदोलन करेंगे। विभाग में फोरमैन, मीटर रीडर, फीडर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ड्राइवर सहित अन्य टेक्निकल कर्मचारियों की कमी से मौजूदा कर्मचारियों पर ज्यादा कार्यभार है। राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व संस्थापक स्वर्गीय ईश्वर चंद शर्मा की पुण्यतिथि पर जयपुर में कर्मचारियों ने यह घोषणा की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप यादव ने कहा कि शर्मा के पथ पर चलते हुए अब फिर आंदोलन किया जाएगा। जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के आत्मनिर्भर होते ही जेडीए ने पूरी तरह अपने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया है। बजट तय होने और 58% काम पूरा होने के बावजूद जेडीए ने आरआईसी के गेस्ट हाउस का काम बंद करवा दिया है। गौरतलब है कि आरआईसी के बगल में गेस्ट हाउस होटल का बीते 2 साल से काम चल रहा है, जिसे अब रोकने का निर्णय लिया गया है। 41 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में से 24 करोड़ का काम लगभग पूरा हो चुका है। जेडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आगे का 17 करोड़ का काम नहीं होगा। जयपुर में वित्त विभाग के IFMS 3 सॉफ्टवेयर में पिछले महीने आई तकनीकी खामी की परेशानी करीब 3,000 कर्मचारी अब तक भुगत रहे हैं। पिछले महीने इन कर्मचारियों के खातों में 7 दिन पहले ही वेतन जमा हो गया था। इसके बाद विभाग ने इस भुगतान को रिवर्ट कर लिया था, लेकिन जिन कर्मचारियों के खातों से वेतन भुगतान रिवर्ट किया गया था उनमें से अधिकांश को आज तक वेतन नहीं मिला है। वेतन के लिए कर्मचारी चक्कर काट रहे हैं। जयपुर शहर में लगने वाली रात्रि नाकाबंदी और गश्ती दल की हकीकत जानने के लिए पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने डिकॉय ऑपरेशन किया तो पोल खुल गई। कमिश्नर जोसेफ ने बताया कि एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रद्वीप के नेतृत्व में गठित टीम से डिकॉय करवाया गया। मंगलवार रात 12:10 पर 2 कारों को रोकने के लिए नाकाबंदी करवा दी, जो रात 2 बजे तक करीब 50 किलोमीटर तक चली। दोनों कारों में कमिश्नर ने सादा वर्दी में पुलिस कर्मी बिठा दिए और दोनों अधिकारी खुद पीछा करते रहे। एक कार के पीछे कमिश्नर जोसेफ और दूसरी कार के पीछे एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप चल रहे थे। 2 घंटे में दोनों कारों ने 10 थाना इलाके में लगे नाकाबंदी प्वाइंट को पार किया। जयपुर में राजस्थान विधानसभा में 11 पदों के लिए पिछली सरकार में निकाली गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जमकर रिश्वत का खेल चला। 18,000 से अधिक बेरोजगार लोगों ने आवेदन किए थे। आवेदकों को भर्ती की गारंटी देने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि विधानसभा का ही एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नितिन शर्मा था। चौंकाने वाली बात यह है कि विधानसभा सचिवालय में अफसरों के बीच बैठकर नितिन आवेदकों को बुलाता रहा, दलाली लेता रहा और किसी ने 11 माह तक पकड़ा ही नहीं। अब स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इसकी तह तक जांच का निर्णय लिया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 में पेपर लीक सहित अन्य फर्जीवाड़े के जरिए लगे उम्मीदवारों के स्थान पर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने के मामले में गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी सचिव को 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने यह आदेश राजेंद्र सैन की याचिका पर दिए। अदालत ने इनके अधिकारियों से पूछा है कि भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद दोषी उम्मीदवारों को हटाकर उनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट से अभ्यर्थियों को नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। जयपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पिछड़ रहे ग्रेटर नगर निगम फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए आयुक्त रुक्मणी यार्ड ने सफाई से जुड़े सभी अधिकारियों को सुबह 7 से 10 बजे तक फील्ड में रहकर सफाई की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। इनमें मुख्यालय आयुक्तों से लेकर सभी जोन उपायुक्त भी शामिल होंगे। इन्हें हर रोज 4 घंटे वार्ड वाइज सफाई की मॉनिटरिंग करनी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।